الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة عليك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरहाना बेगम और मैं यहाँ आज निज़ामाबाद के उर्दू मीडियम पब्लिक हाई स्कूल में मौजूद हूँ। तो आइए नाज़रीन, यहाँ के तालिबात से कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तालिबात। ऐसा
मैं जवेरिया से जानना चाहूँगी कि शादी के बारे में, जहेज के बारे में जो आजकल अपने समाज में हो रहा है, उस बारे में कुछ आपसे जानना चाहूँगी। आजकल हमारे समाज में लड़कियों को पहले जहेज के ऊपर शादी, ये पहले तो वो जहेज ले रहे, फिर उसके बाद रकम ले रहे, उससे अपने समाज में बहुत बढ़ते चले जा रहा है। इसकी वजह से लड़कियों को ऐसे ही घर में रख दिया जा रहा है। क्या समाज में जहेज बहुत बढ़ जा रहा है, ये चीज़ होना, वो चीज़ होना, ये चीज़ होना, इसकी वजह से हर घर में एक कत्ल हो जा रहे हैं, भाव को जला दे रहे कि जहेज तू नहीं लेके अगली बहू आने की वजह से पहले की बहू को बहुत जुल्म दिया जा रहा है। हर उसमें समाज में आगे बच्चे ऐसे ही चलते जा रहा है, बड़ी बहू को नहीं दी तो छोटी बहू को दिलाए, तो बड़ी बहू के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। इसकी वजह से हमारे समाज में बहुत बहुत आगे बढ़ते चले जहेज की लानत के ऊपर। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारे समाज में जहेज की लानत ही कम करने के लिए हम सब हर खवातीन एक सा होकर एक मुट्ठी पर रोके, जहेज की लानत को रोकने के कदम पर चले। और हम सब ये करते हैं कि जहेज को रोकिए, क्योंकि बच्चियों को आगे पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है, इसकी वजह से शादी कर दी जा रही है। वालिदैन के ऊपर एक बोझ बनकर रह जा रही है जहेज की वजह से। जहेज को कम कर दिए तो वालिदैन भी अपनी बच्ची को आगे पढ़ाने के जिम्मेदार होते हैं। आला से आला स्कूल में दाखिला करते हैं बच्चियों का कि मेरी बच्ची आगे पढ़कर बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकती है। इसी वजह से जहेज को कम किया जाए। हमारे समाज में जहेज बहुत बहुत बढ़ते चले जा रहा है। इसको रोकने के लिए हम हर इकदाम का कदम उठा सकते हैं कि खवातीन जहेज के ऊपर ही नहीं बल्कि हर एक उस पे पावन को रोक दिया जाए। नाज़रीन, मैं मोहम्मद नईम खमर यहाँ पर पब्लिक उर्दू मीडियम हाई स्कूल में तालिबात के साथ मौजूद हूँ। मैं अभी इस तालिबा ने बहुत ही गहरी बातें कही हैं। उसने जहेज जैसे हसास सुलगते मौजू उठाया है। उसने ये बात कही है कि जहेज एक नासूर बन चुका है, माशरे को तबाह और बर्बाद कर रहा है। बिलखसूस उसका शिकार नौकरेज लड़कियाँ दोषीज़ाएँ बन रही हैं, जिनके साथ जुल्म जबर का मामला हो रहा है। कई ऐसी दोषीज़ाएँ हैं जिनको जहेज के नाम पर जिंदा जला दिया गया, उनको जो हलाक कर दिया गया। कि बच्ची का ये दर्द बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं इस तालिबा से कुछ गुफ्तगू करना मुनासिब समझ रहा हूँ। बेटे, एक बात बताइए, ये जो जहेज की लानत है, शायद मैं समझ लूँ, मैं जो मकसद मेरा है सवाल करने का, मेरे नाज़रीन में से बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर इस सवाल का जवाब अगर आप देती हैं तो आपके छोटे मुंह से अगर कोई बड़ी बात लोग कानों तक पहुंचती है और उस बात को समझते हैं और उसको उन लोग एहसास कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत बड़ा काम मिलेगा। तो मेरा सवाल ये है कि आप जो जहेज की जो लानत चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ससुराल वाले है, क्योंकि ससुराल में मर्द भी होते हैं, खवातीन भी होते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि औरत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आप पर्टिकुलर ससुराल नहीं, मायका नहीं, मेरा सवाल सीधा सीधा है, औरत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सास। और वो लालची इंसान जो लड़की को अपने घर में डालने के लिए जायज रहता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लड़कियाँ हैं, खवातीन जो होती हैं माशरे में, इनका ही अहमियत क्या मिल होती है? माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, और उसका सबसे बड़ा अहम रूप होता है बीवी का। तो जब बीवी जैसे से उन्हें किसी के घर में दाखिल होती है तो घर की हाकिम बन जाती है। अब जब लड़कियाँ देखने का मामला आता है तो लड़कियाँ देखने के लिए खवातीन ही जाती हैं, आप लोग ही जाती हैं, आप लोग ही जहेज तलब करती हैं। मैं बोलता हूँ कि औरत का सबसे बड़ा दुश्मन औरत है। मानते हैं? तो आप लोग आप यहाँ पर यह फैसला कर लो कि जब हमारी जिंदगी में कोई अमल खत्म, हमारे भाई को बीवी देखने जा रहे, चीचा को, मामू को, कुछ भी देखने जा रहे, हमको बराबर बुलाते अरे हमारी बच्ची आके देखी। देखो उस सब पे जब जहेज का मुतालबा आप लोगों के सामने होता है, आप जहेज के खिलाफ डट जाना चाह रहे और जहेज की लानत से अपने आप को महफूज करना चाह रहे, तो आप लोगों को चाहिए कि आप उसके खिलाफ डट जाओ। कहाँ डट जाओ? हमसे पूछ रहा हो डटो लोग को, हमको आने का था, वहाँ डट जाओ, बोलो हमको नहीं लेना है।
जब तक माशरे में ये नहीं हुआ मामला कि हमको नहीं लेना है, लानत खत्म होने वाली नहीं है, हमको तो दे दो, हमसे पूछो ना को, ये बात करो। समझे बात को आप? जहेज तलब करने का रिवाज क्यों बना? मिसाल के तौर पर अगर मैं साहिब सबक हूँ, मैं सरमाएदार हूँ, पैसे वाला हूँ, तो मैं अपनी बेटी को जहेज देना मैं जो है जरूरी समझ लूँ, क्योंकि मेरे स्टेटस का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, लोग क्या बोलेंगे, भिखारी के सब अच्छी चीजें। लेकिन जब मैं अपनी बेटी को कुछ देता हूँ तो लोग उसका मुआवजा जो है गरीब की बेटी से करते, अरे भला की बेटी इतना गई क्यों क्या गई? तो माशरे का दूसरा बड़ा दुश्मन औरत के बाद सरमायादार है जो अपनी बेटियों को जहेज देता है, मैं अपनी नुमाइश के लिए, अपने बड़ेपन के लिए, अपने नाम और नमूद के लिए जो जहेज देता है, तो मर्द औरत का सबसे बड़ा दुश्मन है। औरत की औरत दुश्मन भी है जो अपनी जाहिरी नुमाइश के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए अपनी बेटी को जो जहेज देता है, वो शख्स भी माशरे की हर बेटी का मुजरिम है, उन्हें जालिम, ये चीज भी जानी। तो अगर हमारे बाबा अगर ये बोल रहे कि मेरी बेटी को मैं ये दे दूँ, आप बोलना नहीं बाबा, हम उतने गिरे पड़े नहीं है कि आपको पैसे दे के बेचना है हमारे। नहीं, अगर कोई जो सो अगर साले नौजवान काले फिकर नौजवान आता है तो हम हमारी बहनों के लिए खुद हमारे लिए पसंद करेंगे, जायज़ हम देंगे। आप लोग डर जाओ, इसकी मजा आ रहा है जायज़ की चलाने, जायज़ की तलब करने की। हो सकता अगर औरतें ये फैसला कर लिए कि हमको जायज ले लेना है, ले सकता कोई? तो क्या बोल रहे आप? बोल रहे जहेज के बारे में, हमारे समाज में इसी वजह से जहेज बढ़ते चले जा रहा है। औरत ही औरत समाज में जहेज के लिए लड़ रही है, रकम देने की वजह से अपनी बच्ची को बेच दिया जैसा हो रहा है। अपन एक बच्ची को करके लेकर आए तो वो भी एक क्या बोलते से अपनी खरीद के लेकर आए जैसा होता है। इसीलिए हमारे जहेज में क्या बोलते से जहेज को ज़्यादा नहीं लेना है, जितना अपने को ज़रूरत होता है उतनी ही अपन अरमान करे तो वो बच्ची के माँ बाप भी सही होते हैं और ये अपना ससुराल भी क्या बोलते से अच्छा बन के रहता है। मैं समझ में इसलिए वजह से कोई नहीं समझ रहे कि जहेज देता है उतना है, ये बच्ची को किससे दिए, वो बच्ची किससे दिए, इसी की वजह से हमारा समाज बहुत बहुत जहेज की लालच में चले जा रहा है। जैसा पैसे लेना है जैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख बढ़ते चले जा रहा है। पहले तो शुरू 50,000 60,000 से शुरू हुआ, अब तो 1 लाख 2 लाख इसी से बढ़ते चले जा रहा है। बच्ची के दिल में आता कि मेरे माँ बाप मुझे बेच दे रहे, मेरे बापा मुझे दूसरे घर में कर रहे, जहेज नहीं है तो मेरा दो भी घर ऐसे समझती बच्ची। जहेज ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत ये दिल में अलग ही फील महसूस करती है। यही मेरा मकसद है कि जहेज को कम करें और अपनी बच्चियों को देखते रह के इसके अंदर क्या चल रहा है, जहेज को कैसे कम किया जा सकता है। शादी की तारीख तय हो गई तो इसके अंदर का महसूस मालूम करना अपने वालिदैन को कि मेरी बच्ची के अंदर ये शादी करना है या नहीं है। जहेज ज़्यादा होने की वजह से बच्ची भी ज़्यादा हो जाती है कि मेरे माँ बाप इसे पैसे कहाँ से लाएंगे, ज़्यादा हो गया तो शादी बहुत बढ़ जाएंगे कि बोलेंगे कि तुम इतना कैसा दिए पैसा हुआ है। समाज वाले बोलते कि तुम इतना पैसा क्यों दिए है कि इतनी अच्छी बच्ची है। आगे वाले बोल रहे हैं होना पैसा, वो पैसा लेके बनने का उसका खर्चा यूज कर रहे कि वो पैसे नहीं लिए तो क्या अपन खर्च लेके भी दूसरा भी कर सकते हैं, मगर वो जहेज को एक बच्ची को खरीद के लेकर आए जैसा होता अपने समाज में। इसी की वजह से जहेज की लानत आगे बढ़ती चली जा रही है। आज मैं यहाँ निज़ामाबाद के पब्लिक हाई स्कूल में मौजूद हूँ, तो हम मुख्तलिफ तालिबान से मुख्तलिफ मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। माँ बाप की बात सुनने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए।
माँ बाप की इज्जत करने से कामयाबी हासिल होती है। माँ बाप की हमेशा इज्जत करना चाहिए। जिन्होंने माँ बाप के बारे में बहुत ही अच्छा अंदाज में सुनाया है, तो बढ़ते हैं दूसरी तालिबा की तरफ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सदर जी। कौन सी क्लास में हो? मैं नाइन्थ क्लास में। जी, करते हैं माँ बाप के साथ खूब मानते होंगे, माँ बाप का समय अदा करते। जी, मैं आज जो अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, तो एक बूढ़ी ज़ईफ औरत ने ऊपर से उनके पर कचरा फेंका था, तो उन्होंने खामोशी से अपना रास्ता लेके चले गए। जाने दो, फेंके होंगे बोल के तो चले गए। फिर ऐसे कई दिनों का सिलसिला चलता रहा कि वो औरत उनके ऊपर कचरा फेंक देती है। वो एक नॉन मुस्लिम थी, वो मुसलमान नहीं थी। वो तो एक दिन वो एक औरत है सो बीमार हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने पूछा ये खातिन कहाँ है जिसने मेरे पर कचरा फेंका था, वो आज नजर नहीं आ रही है। तो उन्होंने जो जिसको पूछे तो उन्होंने फरमाया कि वो आज बीमार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी रियायत के लिए जाते, तो वहाँ पर जाने के बाद है सो आपकी तबीयत उनकी तबीयत पूछते, तो उन्होंने फरमाते या रसूलल्लाह, मैंने तो आपके ऊपर इतना जुल्म किया था, आपके ऊपर इतना कचरा फेंका था, तो आपने फिर भी मुझ पर मेरी बीमारी को देखने आया। तो ऐसा बोलते फिर उन्होंने ना वो बात सुनकर ईमान ला लेते। लेकिन आजकल के कैसे हो गए कि अगर कुछ भी आप उनको बोलते हैं तो अपने ऊपर अरे तेरा वैसा हो जाओ ऐसा हो जाओ बोले कहते हैं। आजकल के अखलाक कहाँ चले गए हमारे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें दीन को उजागर करना चाहिए, दीन को फैलाना चाहिए, लेकिन आजकल के ऐसे नहीं हो रहा है। इसकी आज हम खुद ही जिम्मेदार है कि हमारे दीन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, और हम ही इससे जिम्मेदार है। आप अगर अपने अड़ोस पड़ोस के खुद उनको बोले तो आपका ऐसा दिन फैलता है, लेकिन आज बोलते हैं कि है मुसलमान अच्छे हैं। क्या मुसलमान सिर्फ यही अच्छे है? हम इतना मान के रह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान की जात हमें मिल गई, हम सब इससे ये हो गए। तो हमारे कुछ भी है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चले, दीन को फैलाए। ने बहुत ही अच्छा अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है। जी, मेरा सबसे यही है कि मेरा मकसद ये है कि आपको बताने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही है कि उनके हुकूक और उनके मालूमात को उजागर करें और हर एक इंसान इससे वाकिफ हो। हमारे नाज़रीन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने नाज़रीन के लिए यही कहूँगी कि वो अच्छे अखलाक अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने इसमें पैदा करें, और है सो हर एक के बारे में अच्छे से बोले, और है सो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते में चले और बताए अमल पे रहे, तो अपनी इससे दुनिया भी और आखिरत भी सवर सकती है, और अपने माँ बाप के साथ अच्छे से पेश भी आ सकते हैं, और अपने बाद जो भी रहते हैं उनको भी बोल सकते हैं। माशाल्लाह, आपने बहुत ही अच्छा अंदाज में हमी ने कहा है। बढ़ते हैं दूसरी तालिबा की तरफ। जो इंसान को बदल सकता है, उसके अखलाक को पहचान सकता है,
हैवान से इंसान बन सकता है। तालीम एक ऐसा हीरा है जो इंसान की जेवर बना सकता है। जो तालीम अदब से इंसान है, जो अदब ना सीखे वो हैवान है। इसलिए हमें बाबा की इज्जत करनी चाहिए और उस्ताद के हुकुम मानने चाहिए। उस्ताद की आजकल उस्ताद से कोई हुकुम नहीं कर रहे हैं। आजकल उस्ताद का कोई बात नहीं मान रहे, उनको अलग अलग बोल दे रहे हैं और इसलिए हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आप लोगों को उस्ताद का हुकुम करो और उस्ताद के बारे बताए हुए अमल पर रास्ते पर चलो और उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ हल्की से पेश आओ और खुशी से नजरों से देखो और उनकी हर बात को मानो। नरमी से बात करनी चाहिए, झगड़ों से नहीं करनी चाहिए। आजकल झगड़ों से बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये मकसद है कि इंसान को बेहतर बनाना जरूरी है और उस्ताद को और हमें नरमी से पेश आना चाहिए। और जी नावी रक्षा दुबिया ने कहा है उस्ताद के बारे में बहुत ही अच्छा, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी आपके नजरों में उस्ताद की क्या अहमियत है? मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी उस्ताद को बोली हूँ कुछ भी बोली है, मैं उस्तादों से माफ़ी चाहती हूँ। मैं भी जो बोली हूँ गलती हो गई होंगी, माफ़ी चाहती हूँ। इसीलिए मेरा ये है कि काम होगा कर दिया और जहाँ को शहर को जाने वाला था वहाँ के रास्ते को बढ़ा दिया। तो आप देख सकते हैं नाज़रीन कि अल्लाह ताला
पास वो हिजाब कर रही है, जैसे कई किस्म के वो और कई किस्म का महंगा हो ये
समरीन। माशाल्लाह समरीन बहुत खूबसूरत अंदाज से डिजाइन डाल रही है, कहाँ से सीखी हो? अपने ही डाल दी, बाहर किसी डाल दी कहाँ पे? ये कौन सा डिजाइन है? फैंसी डिजाइन। फैंसी। और कौन कौन से आते हैं? अरबी भी आता है, मारवाड़ी भी आता है। जी माशाल्लाह सभी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना डिज़ाइन मुकम्मल किया है। तो देखिए नाज़रीन, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन कंप्लीट किया है अपना। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे और एक तालिबा से। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं शाहिना से चंद अशार सुनना पसंद करूँगी, क्या आप सुनाएंगे अशार? मुश्किल का वकाम आसान हो गया, मुश्किल का वकाम आसान हो गया, दुश्मन ही देख कर हैरान हो गया, रखा था मेरे नबी ने जमाना पर पत्थर भी कलमा पर कर मुसलमान हो गया। माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना अशार मुकम्मल किया है। तो आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे और एक तालिबा से। लोग देख
देखकर ये कहे अगर उम्मत ऐसी है तो नबी कैसे नहीं होंगे। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि हमें इस्लाम को आम करना चाहिए। इस्लाम ही वो मज़हब है जो महज मज़हब नहीं बल्कि दीन इलाही है, दीन हिकमत है। हम तमाम को चाहिए कि हमें हर मुस्लिम में भी इस्लाम की दावत दे और इस्लाम को आम करें और इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। तो हम कैसे कर सकते हैं इस्लाम को आम? सर मिसाले बताइए। सर के तौर पर हम तहरीक की मतलब तहरीक चलाकर यहाँ गैर मुस्लिम जो गैर मुस्लिम लोगों के स्ट्रीट यानी महल्ले में जाकर उन्हें दीनी दावत दें और ऐसे हमारे हुजूर के किरदार बताएं और उनके वाक़े से सुनाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही अच्छी से बातें बताई है। तो आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। तो आइए नाज़रीन बढ़ते हैं दूसरी तालिबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपका नाम क्या है? आयशा फिरोज। कौन सी क्लास की तालिबा? 8th। आप मुझे क्या सुनाने लगे? मैं तालीम के बारे में सुनाना चाहती हूँ। तालीम एक ऐसा ही रहा है जो टूट कर भी चमकता है। तालीम से ही इंसान है वरना हैवान है। तालीम के लिए हर कोई पढ़ रहा है। ये तालीम के इसमें बहुत मुस्लिम पीछे हो रहे हैं। हर जगह देखो, जहाँ बैंक में कहाँ पे देखो, हिंदू है हिंदू से। तालीम सबके लिए ज़रूरी है। तालीम से हर चीज़ हासिल होती है। तालीम के लिए दूसरे मुल्क का भी सफ़र करना चाहिए। तालीम के लिए पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि आज हमें इतना पैसा मिला तो कल उससे ज़्यादा डबल मिलेगा। तालीम हर किसी के लिए फ़र्ज़ है क्योंकि तालीम से ही इंसान है। दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, दीनी तालीम भी ज़रूरी है। दुनियावी तालीम दुनिया तक रह तक ही रहती, दीनी तालीम क़यामत के दिन इम्तहान रहता उसका। तो आए नाते बढ़ते हैं दूसरी तलबा की तरफ। इस्लाम में हम क्या बैठा करूँ? जी आपका नाम क्या? मेरा नाम राजेश है। जी आप मुझे क्या सुनाने लगे? मैं आप सबके सामने नाज़िश शरीफ पेश करना चाहती हूँ। नाज़िश शरीफ पढ़ने से पहले मैं थोड़ा दूर दूर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मदीना 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 मदीना
हासिल करना है।
ऐसा नहीं कि ये दुनियावी तालीम हासिल करके आखिरती तालीम को दूर करना है, बल्कि दोनों तालीम पर अच्छी तवज्जो से दोनों तालीम हासिल करना है। हर एक तालीम में आगे रहना चाहिए। हमें उस्ताद ही अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाते हैं। उस्ताद के सिवा कोई हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं सिखाते। यहाँ ही अच्छा सुलूक उस्ताद जी के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए आजकल। लेकिन बच्चे क्लासेस में बच्चे उस्ताद के साथ बहुत बड़ा बर्ताव करते हैं और उनके साथ अच्छे सुलूक से बात नहीं करते। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस्ताद हमारे अच्छे के वास्ते तालीम देते हैं और हमें वो चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, आपके नज़र में उस्ताद की क्या अहमियत है? मेरे नज़र में उस्ताद की अहमियत एक बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि हमें वही एक फर्स्ट नर्सरी से ही और हमें वो टेंथ क्लास तक बड़ी एक सीढ़ी चढ़ाते हैं। अगर वो उत्तर ना तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। और हमारे माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमें एक अच्छा अहदा मिले और हम एक अच्छा मुकाम पे ना। बहुत ही अच्छा अंदाज में इन्होंने उत्तर के बारे में तारीफ की है। तो बढ़ते हैं फिर तालिबा की तरफ। सामने पर मतलब करता हूँ, आपका नाम क्या है? जी, मुझे क्या सुना रह दिया आप? मैंने अपनी माँ से पूछा, जिनकी माएँ मर जाती हैं उनके लिए दुआ कौन करता है? मेरी माँ ने कहा, अगर दरिया खुश भी हो जाए तो उनकी से नहीं मिल जाएगी। माशाल्लाह नाज़रीन, बहुत ही अच्छा अंदाज़ में इन्होंने अपनी हदीस को कबूल की है। मगर किसी तारीख के बढ़ते हैं दूसरी तालिबा की तरफ। सौ में जी, आपका नाम क्या है? जी, आप मुझे क्या सुना रही है? मैं आपकी माशरे के बारे में कुछ बता रही हूँ। आज हमारे माशरे में सबसे कम वक्त मुसलमान होते जा रहे हैं, क्योंकि हर मुसलमान तारीख के पीछे होते जा रहे हैं। मुसलमान है तो सिर्फ गारों का भविष्य होता जा रहा है, ना वो तारीख में आगे ना तरक्की में आगे होते जा रहे हैं। और मुसलमान को जाहिर जो भी तारीख हासिल करे, हर तरफ देखो तो सिर्फ दो ही सौगे कि वह इतना पीछे हटता जा रहा है। इसकी एक वजह है इतना पीछे हटता जा रहा है। हमें भी तारीख हासिल करनी चाहिए। और इतना भी कहता है कि तारीख हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, हमें तालीम हासिल करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा नाम है अलीना ने। माशरे के बारे में अभी क्या है? बढ़ते हैं दूसरी तालिबा की तरफ। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या सुना लिया है? जी, मैं इस माशरे के मुस्लिम नौजवान के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। अगर हम माशरे में अगर घूमेंगे फिरेंगे तो हमें मुस्लिम नौजवान पढ़ते लिखते नहीं नज़र आएंगे। अगर हम कहीं भी देखेंगे कोई किसी को भी देखेंगे तो वो मुस्लिम ही है, मुस्लिम नहीं दिखाई देगा, सिर्फ गैर मजहब के ही दिखाई देंगे। क्यों ऐसा, मुस्लिम क्यों पीछे होते जा रहे हैं? अगर हम नौजवान को देखेंगे तो पढ़ने लिखने में बहुत बहुत पीछे हैं और मुस्लिम लड़कियाँ ही थोड़े से आगे हैं। और सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम लोग सिर्फ सड़कों पर ही नौकरी करते हैं, उन्हें आला से आला नौकरी नहीं मिलती है। क्यों ऐसा, मुस्लिम को नहीं मिलती है नौकरी? अगर नौजवान क्यों इतनी मेहनत नहीं करते हैं? क्यों गैर मुस्लिम को ही इतनी मिलती है, अच्छा अहदा मिलता है गैर मजहब लोगों को? और मैं कुछ माँ के बारे में भी कहना चाहती हूँ। और मुसलमान के जो लड़के हैं और जो लड़कियाँ हैं, वो माँ की क्यों इतनी बदसलूकी करते जा रहे हैं? और जितना उनसे बोर होते जा रहे हैं तो उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ दे के आ जा रहे हैं। आजकल बेटे ही नहीं बेटियाँ भी उन्हें छोड़ कर आ रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों माँ को इतना बदसलूकी करते जा रहे हैं? अल्लाह ने ही खुद कहा है कि अगर हमें माँ की खिदमत करेंगे ही तो हमें जन्नत मिलेगी। अगर हम माँ की खिदमत नहीं करेंगे तो हमें जन्नत कहाँ से मिलेगी? इस लिहाजा हमें माँ की खिदमत करनी चाहिए। जज़ाकअल्लाह खैर। जी, नाज़रीन से कहेंगे कि माँ की अहमियत को जानिए। कल तक मैं भी माँ की बहुत 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 ज़्यादा बदसलूकी करती थी, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि माँ की अहमियत क्या होती है। तो बढ़ते हैं दूसरी तालिबा की तरफ। जी, आपका नाम क्या है? जी, आप कौन सी तालिबा? आप मुझे क्या सुनाने वाली है? जी, सुनाइए। सिद्ला वो काबा ईमान रसूल अरबी
स्वाद बेरे माशाल्लाह नाम मेरे हाथ में कलम है मेरे जहन में उजाला मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला इल्म ने खूने रंगे जा दिया और ना मरा इल्म जहरा का पैमाना पिया और ना मरा इल्म सुखराज की आवाज़ है और ईसा का रहूँ इल्म सैया रहूँ गहवा रहूँ अर्जुमा में नमूँ इल्म बेटे की नई कब्र पर माँ के आंसू काबाए हौसिन को यही सैर करता है एक ही लम्हे में सदियों का सफ़र करता है इल्म तारीख को तलब से ही सलाह देता है और जाहिल इंसान अब जहल बना देता है पढ़ो तो ऐसा के नाम बन जाए पढ़ो तो ऐसा के नाम बन जाए चलो तो ऐसा के निशान बन जाए जिंदगी तो हर कोई जी लेता है जियो तो इस कदर के मिसाल बन जाए आगे बढ़ते हैं बात करेंगे और एक तालिबा से जैसे कि ज़्यादातर फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है फ़ोन का और टीवियों का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है और ज़्यादातर पढ़ाई पर तवज्जो देने के बजाय फ़ोनों में और टीवियों पर मुतवज्जा हो रहे हैं बच्चे और एग्ज़ाम्स भी सर पर रहते फिर भी बच्चे टीवी में मशगूल होते हैं और नेट में जो कि फोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बहुत सी बीमारियाँ जैसे कि बहुत सी नुकसान थे लेकिन उसको हम समझ नहीं रहे जब हम मुस्तकबिल में आगे जब ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो हमें पता चलेगा कि इसकी क्या क्या बीमारियाँ थी और क्या क्या इससे हमें नुकसान हुए थे जो हम ज़्यादातर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं वो फ़ोन पे जो शुआएँ आती हैं वो जो होती है इलेक्ट्रिक शुआएँ जिसकी वजह से हमें बहुत से नुकसान होते हैं और जब हम मुस्तकबिल में जब हमारी उम्र हो जाती है तब पता चलता है कि उससे कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां फैलती हैं लेकिन हम इससे आगाह नहीं हुए हैं और हम बेचा फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जब हम और देखिए कहीं पर भी छोटे से छोटे बच्चे फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसके और ज़्यादातर टीवी देखने की वजह से और फ़ोन का इस्तेमाल करने की वजह से और वीडियो गेम्स वगैरह जो छोटे बच्चे खेलते हैं जिसकी वजह से आँखों की बीमारियाँ हो रही है जैसे कि चश्मा वगैरह लग रहे हैं आजकल देखिए जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको भी चश्मा लग रहा है क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि जिसको भी चश्मा है वो इनकी दही ज़्यादा उम्र हो जाए की वजह से चश्मा लगता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ है आजकल देखिए किसी छोटे से छोटे बच्चे को देखिए चश्मा लगा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर पहले जो लोग होते थे उनको दूर का नज़र ना आने की वजह से वो चश्मे का इस्तेमाल करते थे लेकिन आजकल के लोगों को सर में दर्द का वगैरह ऐसे चश्मे लग रहे हैं और ये भी जो बीमारियाँ जो ऐसे लग रहे हैं चश्मे वगैरह उसकी भी ये वजह है कि जो शुआएँ हैं उसकी वजह से और जो हम इलेक्ट्रिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से हो रहा है और हमारे घरों में भी देखिए ज़्यादातर फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं पहले फ्रिजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था देखिए फ्रिजों के जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो गैस मौजूद होती है उस गैस की वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं जैसे कि वो बीमार जो गैस होती है अगर वो जो गैस होती है जिसकी वजह से वो ओजोन परत है जो हमें सूरज की शुआओं से बचा रही है लेकिन हम ज़्यादातर फ्रिजों का इस्तेमाल और वॉशिंग मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से हम जो ओजोन परत है उसको सुराख पड़ रहे हैं और जिसकी वजह से जो सूरज की जो शुआएँ हैं हमारे ज़मीन पर डायरेक्ट पहुँच रही है सीधे आ रही हैं जिसकी वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं और ज़्यादातर हमारे धूपकाले में देखिए धूप बहुत ज़्यादा होती है लेकिन आजकल देखिए हमारे सर्मा के मौसम में बारिश के मौसम में भी धूप बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये जो इंसानी जो कारण है जो इंसान जो इस्तेमाल करना है जो इलेक्ट्रिक चीज़ें उसकी वजह से होना है लेकिन हम इसको नहीं समझ रहे हैं कि हमारे मुस्तकबिल में बहुत ही नुकसानदार है और हमारे मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों को भी ये नुकसानदार होने पहुँचाने वाली नुकसान लेकिन हम इसके बारे में नहीं समझ रहे इसी तरह मैं हमारे ये मेरा मकसद
मतलब है कि हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिक चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा फोन्स का इस्तेमाल ना करें, जब भी ज़रूरत पड़े हम जब भी इसका इस्तेमाल करें फ़ोन जब भी, और लेकिन हमें ज़्यादा फोन्स पर बातें नहीं करना चाहिए क्योंकि फ़ोन की जो शुआएँ होती हैं वो हमारे कानों को भी नुकसान पहुँचा सकती है और जो हमारे कान हैं वो भी बहरे हो सकते हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा फोन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इससे परहेज करना चाहिए और हमारे दूसरे जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उनको भी इससे आगाह करना चाहिए और इसको बताना चाहिए कि ज़्यादातर फ्रिज का इस्तेमाल और वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल ना करें। जो ओजोन परत है उसमें जो जो गैस निकलती है वो गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है जिसकी वजह से जो सूरज की शुआएं हैं वो हमारे ज़मीन पर डायरेक्ट पहुंच रही हैं और उसमें जो उसमें सुराख पड़ने की वजह से धूप की शिद्दत भी ज़्यादा हो रही है। अगर कोई दुकान जाना हो तो वालिदैन कह रहे हैं कि दुकान जा मैं तुझे रिमोट दे दी
लेकिन पहले के लोग बच्चों को बिगाड़ते नहीं थे बल्कि सुधारते थे। इस तरह के ये नमाज अगर अजान से सुधारते पहले के जमाने के लोग अगर अजान होती है तो माँ बच्चे को कहती थी बेटा अजान हो रही है नमाज अदा कर लो। लड़का कहता था कि नहीं मैं नमाज अदा नहीं करूँगा। वादा कहती है कि नमाज अदा करे तो अल्लाह ताला तुम्हें शक्कर देगा वो शक्कर देगा। तो वो लड़का और कहता है कि बद्दू बनाने जाता है तो वादा क्या करती है माँ क्या करती थी कि जाए मसल्ले बिछाती थी और उसके नीचे शक्कर की पूरी रख देती थी। और जैसे ही बच्चा नमाज अदा करता है तो वो नमाज अदा करता है और जाने माज उठाता है तो देखता है कि शक्कर है। वो बच्चा खुशी खुशी शक्कर ले लेता था और खा लेता था। इसी तरह रोज ये सिलसिला जारी था। एक दिन माँ बहुत बीमार हो गई थी इतनी बीमार कि वो जाने मसल्ले बिछाने की भी उतनी ताकत नहीं थी उसमें। लेकिन वो बच्चा खुदी से मसल्ले बिछाने के लिए चला गया और माँ तड़प तड़प कर दुआ करने लगी कि अल्लाह ताला मैं तो मेरे बेटे से बहुत झूठ बोलती गई थी लेकिन कुछ कर मैंने बोला कुछ कर मैंने वो बहुत अल्लाह ताला से दुआ करती थी और अल्लाह ताला भी बहुत रहम करने वाला है। जैसे वो बच्चा मसल्ले उठाता है तो देखता है कि शक्कर की बॉली नजर आती है। सुबहान अल्लाह ताला की ये रहमत तो देखिए। जैसे ही वो बच्चा जानिमा मसल्ले उठाता है तो देखता है कि शक्कर की बॉली नजर आती है और माँ बेटे से कहती है कि बेटा मैं तो वो रोज़ शक्कर की पूरी रखती थी ताकि तू नमाज अदा कर। लेकिन बेटे से माँ कहती है कि मैं ही रखती थी वो लेकिन वो मैंने तुझसे झूठ कहा। लेकिन ये कुदरत की शान तो देख तो ये खुद ही अल्लाह ताला ने खुद ही शक्कर की बॉली ने आगे छा दी। तो पहले से अब के ज़माने में से माँ बाप कैसे बिगाड़ रहे हैं अगर तो फोन देकर अगर आप लालच दे रहे हैं टीवी का रिमोट देकर अगर कुछ काम की भी ख्वाहिश रही ना कि मुझे फोन चाहिए जितना भी ख्वाहिश करता है उस ख्वाहिश को तोड़ भी सकते हैं ना माँ बाप। बिगाड़ने के बजाय सुधार भी सकते हैं कि पहले के लोग किस तरह थे लेकिन अब के लोग किस तरह। अगर कोई काम हो दुकान जाना हो वगैरह उनको पैसे देकर और उसे कह रहे हैं कि मैं तुझे रिमोट का टीवी का रिमोट देती हूँ और जाकर दुकान से मैं तुझे बुक दे दूँगी कह रहे हैं इससे क्या मकसद कह रहे तो पहले के लोग नमाज अदा कर रहे थे और लेकिन नमाज अदा करने वाले के माँ बाप अभी जनरेशन में माँ बाप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं तो बच्चे भी बिगाड़ सकते हैं जी। नहीं वालदैन ही बच्चों को बिगाड़ रहे हैं वालदैन ही बच्चों को सुधारना का काम है। इंसानी मौसम में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में चल बातें पेश की हैं वालदैन के बारे में बहुत ही खूबसूरत बातें बताई हैं। तो नाज़रीन आज का प्रोग्राम यही ख़त्म हो रहा है। अब दीजिए इजाज़त खुदा हाफ़िज़।